प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जैसा कि कल के सत्संग में पुण्यात्मा श्याम के इसमें सत्संग सुन रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र जी ये भगवान विष्णु के अवतार और उनका जीवन भी कितना कष्ट में रहा, क्योंकि ये परमात्मा पाप कर्मों को नहीं काट सकते, कर्म दंड को नहीं समाप्त कर सकते, ये पाप विनाशक नहीं है, ये अंगारी नहीं है, ये बंदी छोड़ नहीं है, ये पाषाण यानी बंधनों से मुक्त करने वाले नहीं है। तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी के बारे में पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक स्पष्ट प्रमाण दिया है कि तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं वो सफल नहीं हो सकते बल्कि असफल हो जाते हैं। और अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में लिखा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसकी तीनों गुण रूपी शाखा ये नीचे यानी पृथ्वी लोक पर यह ज्ञान बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग और पाताल लोक में ये व्यवस्थित है और यही जीव को कर्मों के बंधन में बांधने की मुख्य कारण है। कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों के बंधन में बांधने की मूल है, मुख्य कारण है। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 15 का ये सारांश है कि उल्टा लटका हुआ यह संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, जिसकी ऊपर को जड़ तो ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा यानी आदि पुरुष सबसे पहले वाले भगवान, और तना उसका अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म है, और डार उसकी एक मोटी डार उसमें से निकलती है, तना के बाद बहुत सी डारें निकलती हैं, उनमें से एक डार समझो ये ज्योत निरंजन, ये काल अर्थात क्षर पुरुष ब्रह्म है। और ब्रह्म से फिर तीन शाखाएं निकली हैं, तीनों गुण रूपी शाखा रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये शाखाएं हैं। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ये बताया है और ये भी बताया है इन दोनों श्लोकों में कि जो संत इस संसार रूपी वृक्ष को मूल से लेकर तना और डार टहनी आदि तक पत्तों तक बता देगा वो समझो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। आप देखिएगा आदरणीय गीता जी इसके अध्याय नंबर 15 को फिर देखिए, अथ पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय इसके प्रथम मंत्र यानी श्लोक में लिखा है आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले ऊर्ध्व मूलम अध शाखम ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष अविनाशी कहा जाता है। ऊर्ध्व माने ऊपर को, ऊपर को जड़ तो वो पूर्ण परमात्मा है आदि पुरुष, आदि पुरुष माने जिसने सबसे पहले सारे ब्रह्मांड रचे थे, ये आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले ये पूर्ण परमात्मा तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, यानी यहीं से खुराक चलती है और यहीं सब पत्तों और टहनी और डारों को प्रवेश करती है। तो आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो जड़ है और अध शाखम नीचे को शाखा जो है इसकी, ये हिंदी इनका अनुवाद सही नहीं है, नीचे को शाखा, ये नीचे को शाखा
रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और अध शाखा यानी नीचे को शाखा वाले शाखम अश्वत्थम संसारोपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार रूप वृक्ष को जो संत जो व्यक्ति मूल सहित जड़ से लेकर और नीचे तक टहनियों तक बता दे, वो समझो वेद के तात्पर्य वो तत्व से जानता है, तो वो वेदवित सह वेदवित वो वेद के तात्पर्य को सही जानता है, यानी वो सही तत्वदर्शी संत है। अब दूसरे में इसका प्रमाण दिया है कि ये इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई नहीं, ये इसका साधारण अर्थ बताता है। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखा, ये रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी तीनों नीचे और ऊपर, नीचे यानी पृथ्वी लोक से नीचे पाताल लोक है, पाताल लोक में नीचे और ऊपर स्वर्ग लोक तक इनकी दौड़ है बस, क्योंकि पृथ्वी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा था। ये साथ में ब्रह्मांड देखिए, अब ये ज्ञान यहां बोला जा रहा था गीता का, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ब्रह्म जी ब्रह्म द्वारा इस ज्योत निरंजन काल के द्वारा, और ये कहता है कि ये तीनों गुणों की इन ब्रह्मा विष्णु महेश की रेंज पहुंच स्वर्ग और नीचे पाताल ऊपर स्वर्ग तीन तक है, और यही कर्मों के बंधन में बांधने की मूल कारण है, यही इनको कर्मों में फंसाती है। नीचे और ऊपर फैली हुई है, नीचे माने पाताल में और ऊपर स्वर्ग में, सर्वत्र नहीं है, ऊर्ध्वम बस ऊपर, और मनुष्य लोक में इस संसार की पृथ्वी लोक में मनुष्य लोक में कर्मानुबंधनी मूलानी, कर्मों के बंधन में बांधने की ये मूल कारण है, कर्मों में यही फंसा के रखती है इस जीव को, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ही ये जीव यहाँ बंधा रहता है, इन्हीं की पूजा करने से यही जन्म और मृत्यु में इसका सदा ये प्रोसीजर बना रहता है। ऊपर सभी लोकों में नहीं, ये अध माने नीचे और ऊपर, बस ऊपर स्वर्ग लोक में और नीचे पाताल लोक में, ये सभी लोकों में ये नाप लिख दिया। अनुसंतानी केवल व्याप्त हो रही है, सभी लोकों में नहीं लिखाई, संस्कृत ऐसा नहीं बता रही। अब देखिए, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां नहीं है, काल भगवान जो गीता बोल रहा कहता है कि संसार रूपी वृक्ष को मैं ठीक ठीक नहीं बता पा रहा, जैसा मेरे और तेरे डिस्कशन में यानी यहाँ विचार काल में जो मेरी तेरी वार्ता चल रही है मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि नहीं इसका नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत और न ही इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है, क्योंकि मेरी मेरी समझ से बाहर है। इसलिए इस सो विरुद्ध मूलम यानी सतलोक तो अजर अमर स्थान है, इसलिए सो विरुडम मूलम अति दृढ़ मूल वाले यानी अविनाशी स्थान सतलोक वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अर्थात सारे ब्रह्मांडों के ज्ञान को इस सत्य ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा हथियार के द्वारा काटा जा सके, समझा जा सके, अर्थात इसको इस गुत्थी को सुलझाया जाएगा, जो कोई सूक्ष्म वेद सवसम वेद के जानने वाला वो तत्वदर्शी संत मिलेगा तो इसको समझाएगा, ऐसा गीता बोलने वाला भगवान बता रहा। आगे देखो चौथे श्लोक में स्पष्ट कर दिया, अर्जुन तेरा कभी भाग उदय हो जावा, ये तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावा, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए व्यक्ति यानी साधक पुरुष फिर लौट कर इस संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते, और ये परमात्मा कौन है, ये वही परमात्मा है जिससे जिस परमेश्वर से इस सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई अर्थात पुरातन संसार वंश की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण परमेश्वर की मैं शरण हूं, मैं भी उसी की पूजा करता हूं, ये काल भगवान कह रहा है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए। अब देखो अपनी पूजा को तो बताते अर्जुन, मेरी शरण में रहेगा तो जन्म मृत्यु तेरी और मेरी सदा बनी रहेगी। देखिए अध्याय नंबर 4 का और श्लोक मंत्र नंबर 5, हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं,
उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, क्योंकि ये काल भी जन्म और मृत्यु के अंदर है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उन तत्वदर्शी संत वेदवित जो अभी बताया आपको, उनको ढूंढ ले, उस ज्ञान को, उस परम पिता के ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर उनका सरलतापूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, तुझे उस इस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब आप कहता कि मैं नहीं जानता उस परम पिता के पूर्ण ज्ञान को, वो तो वो संत हैं और मैं भी उसी के आदीन हूं उस परम पिता के। अब ये आपने 15वें अध्याय के श्लोक सुने और कि ये कर्मों के बंधन में बांधने की ये ब्रह्मा विष्णु महेश मुख्य कारण है। ये तो काल ने, ब्रह्म ने अपने सिर से बला टाल कर और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर सौंप दी। और जबकि 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में ये काल गीता बोलने वाला स्वयं कहता है कि ये तो रजगुण ब्रह्मा से और तमगुण विष्णु से जो कुछ भी हो रहा, तमगुण शिव जी से और सतगुण विष्णु से जो कुछ भी हो रहा, यानी इनसे सती थी उत्पत्ति और संहार जो हो रहा, इसका नियमत मैं ही हूँ, मैं ही इसका नियमत हूँ, यानी इसको 100,000 जीव काल में रोज खाने पड़ते हैं और इन तीनों से ये सब कार्य करवाता है। अध्याय नंबर 7 का मंत्र नंबर 12 है। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अभी काल कितना स्याणा है, यहां तो कह रहा है कि मैं जो कुछ भी रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति यानी विषय वासना प्रेरित करके और विष्णु जी से सखी थी एक दूसरे में मोह ममता रख कर यहां अंतिम श्वास तक रखे रहे, यहां से मन ना हटाए, इनको कोई और सूझ जाए नहीं, केवल अपनी संतान और संपत्ति नजर आती रहे और फिर ये यहां से निकल ना जावे। और भगवान शिव से संहार जो हो रहा है, कहता है वो मेरे कारण ही हो रहा है, मैं करवा रहा हूं उनसे। और वह कहता है कि कर्मों के बंधन में बांधन की ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही मुख्य कारण है। अब फिर देखिए अध्याय नंबर 14 का 3, 4 और 5। क्या कहता है ये काल भगवान कि ये दुर्गा प्रकृति तो मेरी पत्नी है और मैं और हम दोनों के संयोग से सारे जीवों की उत्पत्ति होती है। अध्याय नंबर 14 का और मंत्र नंबर 3 से प्रारंभ करें। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति योनि सभी प्राणियों की योनि भूतों की भूतमान प्रणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस संयोग से, उस जड़ चेतन के संयोग से सब प्राणियों की भूतों की उत्पत्ति होती है। आचार में क्या कहा है, ये अर्जुन नाना प्रकार की सभी योनियों में जितने मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति दुर्गा उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, मैं भी स्थापन करने वाला पिता हूं और हम दोनों के संयोग से। 5वां देखो, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं, कर्मों के बंधन में बांधते हैं। यहां भी कह दिया कि यही कर्मों के बंधन में ब्रह्मा विष्णु बांधते हैं। और आपने 15वें अध्याय के 2 श्लोक में देखा कि तीनों गुण रूपी शाखाएं विषय विकारों की ये जीवों को कर्मानुबंधनी मूलानी कर्मों के बंधन में बांधने की मुख्य कारण है। यहां तो इनके सिर पर रख दिया और 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि जो कुछ भी हो रहा ना, ये मैं ही निमित्त हूं, लेकिन मैं इनसे बाहर रहता हूं। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये फिर आपके सामने पेश किया जाएगा, तभी आपके समझ में आओगी कि वास्तव में ये तो कहानी कुछ और ही है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, ये भी देखिएगा। ये है देवी भागवत
अथ देवी भागवतम सभास्तिकम सहमातम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसके तीसरे स्कंद में आप देखिए, अथ श्रीमद देवी भागवते बासा टीका युक्ति तृतीय स्कंद प्रारंभ थे। इसके सातवें मंत्र में के बाद आठवें मंत्र में भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। फिर संस्कर देखो, यदि यही आठवां श्लोक प्रारंभ हुआ, सातवां अंत हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिकी कथम अहम विहित तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया है माता, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव रजोगुण क्यों बना दिया, असुहित है कि सतोगुण हरि और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बनाया, यदि आप हमारे ऊपर दयालु हैं। आप देखिए, आपके सामने ये सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। अब ये प्रसंग चल रहा है कि कर्म दंड को न ब्रह्मा काट सके, न विष्णु काट सके, न शिव काट सके, ये तो कर्मों के बंधन में बांधते हैं, बांधते हैं मीन कारण तो मूल ब्रह्म है। ये ज्योत निरंजन के वश होकर ये बेचारे इस काल ने अपनी सूझबूझ से इन तीनों गुण प्रवेश कर दिए, क्योंकि इसने ब्रह्म लोक में एक तीर्थ स्थान बना रखे हैं, अपने एक ब्रह्मांड में इसने एक ऐसी रचना की है। इस ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड हैं, ये ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड हैं। ब्रह्म कहो, ज्योत निरंजन कहो, इसको क्षर पुरुष कहो, ईश कहो, इसने 20 ब्रह्मांडों को, ये एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के एक महाब्रह्मांड बनाया, ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 5 ब्रह्मांडों 20 ब्रह्मांडों को रोक दिया, 5-5 का ग्रुप बना के, और 21 में को एक महाब्रह्मांड तुल इसने स्वयं स्थान ले रखा है। यहां पर ये नकली सतलोक अलकलोक अगमलोक अनामी लोक बना रखे हैं, और यहां स्वयं 1,00,000 प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भून के उनमें से गंध निकालता है, और इतने तड़पते हैं ये प्राणी वहां पर, बहुत बुरा हाल हो जाता है। फिर कर्म आधार पर अपने इन ब्रह्मांडों में भेज देता है, ये काल का जान है। इनमें से एक ब्रह्मांड, जो ये एक ब्रह्मांड है, उसकी विस्तृत व्याख्या देखिए। ये एक ब्रह्मांड आपने देखा था, ये है वो सारा, इसको अंड भी कहते हैं, इसी को पिंड भी कहते हैं, इसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। अब यहां इस काल ने एक ब्रह्म लोक बनाया है, ये स्वयं ज्योत निरंजन, ये ब्रह्म काल महाविष्णु इस सब एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र बनाकर या महाब्रह्मा के रूप में स्वयं रहता है, और दुर्गा शेरावाली को महा सरस्वती के रूप में रखकर यहाँ इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको रजोगुण बना देते हैं, और ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, और उसका नाम ये ब्रह्मा रख देते हैं, फिर उनको बेहोश कर देते हैं। इसके बाद ये एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र बना रखा, इसमें स्वयं ये काल महाविष्णु बनकर और दुर्गा को मां सावित्री पार्वती महालक्ष्मी रूप में रखता है, स्वयं महाविष्णु बन जाता है और दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। या इनके संयोग से इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको सतोगुण बनाकर और उसका नाम विष्णु रख देते हैं, फिर इनको बेहोश कर देते हैं। उसके बाद ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये स्वयं सदाशिव, ये महाशिव का रोल स्वयं ये काल करता है, और पार्वती रूप में दुर्गा को रखता है। इनके संयोग से जो यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये तमोगुण बना देते हैं और इसका नाम शिव रख देते हैं। अब तीनों को बेहोश कर देते हैं। अब ये बेचारे इनकी ही सूझबूझ से ये गुण युक्त हो गए, अब इनका दोष कति नहीं, लेकिन अब जो गुण हो गए तो कर्म इनके जोंके तो ही रहेंगे, लक्षण वही रहेंगे। अब ये समझना अपन, अब गीता जी के साथ में दया के 18वें श्लोक में ये ज्योत निरंजन काल ब्रह्म गीता बोलता हुआ कह रहा है कि तीनों गुणों की भक्ति तो मूर्ख लोग करें, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 तक, 20 से 23 तक स्पष्ट कर दिया।
और अपनी भक्ति में कहता मेरी भी घटिया है क्योंकि मेरी पूजा से जीव के कर्म दंड नहीं कटे और 84 लाख योनियां नहीं मिट सकती, जन्म और मृत्यु बनी रहेगी। वो परमात्मा कोई और है, उसी की रजा से उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। जैसे अपने स्वयं के बारे में 4वें अध्याय के 5वें श्लोक में खुद कहता है कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो लिए, अध्याय नंबर 4 का मंत्र नंबर 5 है ये, हे परंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और साथ में ये बताता है कि दूसरे अध्याय का 12वें श्लोक में अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12 मंत्र आपको दिखाते हैं, उसमें ये स्वयं कहता है कि ऐसा भी नहीं है कि पहले मैं और तू सब नहीं थे। अध्याय नंबर 12 का और मंत्र नंबर 12 देखो, गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि अर्जुन ने तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा भी नहीं कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, अर्थात जन्म और मृत्यु अपनी बनी रहेगी। फिर इस 27 नंबर क्या बताते हैं दूसरे अध्याय का 27 नंबर देखिए, क्योंकि इसके अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। क्या बता दिया, आगे फिर 28 में देखा, देखो जो जन्म गया उसकी मृत्यु और मृत्यु होगी, जन्म जरूरी है। ये अर्जुन संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे और मरने के बाद भी फिर दोबारा जन्म हो जाने वाले हैं, इसके बीच में प्रकट है, इसके केवल इसके बीच में ही प्रकट है, ऐसी स्थिति क्यों शोक करना है, केवल बीच में ही प्रकट है फिर ऐसा स्थिति में क्या शोक करना है। अब क्या कहा है कि ये संपूर्ण प्राणी जिनसे पहले प्रकट थे मरने के बाद भी फिर जन्म लेंगे और अब भी प्रकट है, अर्थात ये तो जन्म मृत्यु में बने ही रहेंगे, फिर चिंता क्यों करें, कभी नहीं मिट सकती। और फिर क्या बताता है दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कि नाश रहित तो उसको जान, अध्याय नंबर दो का श्लोक मंत्र नंबर 17 है, नाश रहित यानी अविनाशी तो उसको जान जिसको जिससे यह संपूर्ण जगत दर्श वर्ग व्याप्त है और उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। क्या बताते हैं कि वास्तव में अविनाशी वो परमात्मा, और इसी का 15वें अध्याय का 16 और 17 श्लोक यही स्पष्ट करता है कि दो भगवान हैं अर्जुन, अपने आप को सर्वदाता है नाशवान और अविनाशी अक्षर पुरुष, और कहते हैं वास्तव में इन दोनों से भगवान वास्तव अविनाशी था, इन दोनों से कोई और है। अध्याय नंबर 15 का श्लोक मंत्र नंबर देखिए 16 नीचे, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके चरच अक्षर एमम च, इस संस्काल और परब्रह्म के लोकों में ये दो स्थिति है जीव की, दोनों भगवानों के लोक में ये चर पुरुष, ये पुरुषों दो जगह लगेगा, चर पुरुष माने ये नाशवान भगवान ब्रह्म, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, इन दोनों के लोकों में ये दोनों दो नाशवान भगवान, नाशवान और अविनाशी ये दो भगवान हैं, दो प्रभु हैं। इसी प्रकार इनके शरीर इनके लोक में जितने भी इनके अंतर्गत प्राणी आते हैं उनके जीव आत्मा तो अविनाशी ही रहती है, और सूक्ष्म ये स्थूल शरीर में चाहे देव हो चाहे महादेव ये स्वयं भी नाशवान है, ऐसा कहते हैं। आगे देखो, लेकिन तीसरा भगवान जो है इन दोनों से न्यारा, उसके शरीर उसका शरीर भी अविनाशी, उसमें गए हुए प्राणी भी सदा अविनाशी, उनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इस नाशवान और इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के भगवान है, पुरुष माने भगवान है। सभी प्राणियों के शरीर नाशवान और जीव आत्मा को अविनाशी कहते हैं, इसी प्रकार ये दो स्थिति इनके लोकों में जीवों की। आगे देखिए फिर 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य ही,
उत्तम पुरुष, उत्तम भगवान, वास्तव में श्रेष्ठ सही परमात्मा तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस प्रकार कहा गया है। ओए होए, इतना स्पष्ट ज्ञान है। देखिएगा, ये है वो परमात्मा उत्तम पुरुष, तू अन्य। ये ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारत है, जिसको भगवान कह सकते हैं वास्तव में। और ये तीनों लोकों में प्रवेश करके ये लोक कर्म अविषय विभर्ति अवैध ईश्वर है, ये तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में मूल रूपी यानी जड़ रूपी भगवान है, वो वास्तव में अविनाशी है। अब देखो, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी इसकी पूजा करेंगे जड़ की, तो पौधा प्रफुल्लित होगा और ये सब सबका पालन पोषण यहां से जाएगा। फिर हम यहां पर ऊपर हैं, कहते अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डारे, ये तीनों देवा शाखा है पाते रूप संसारी। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, जमीन से बाहर जो दिखाई देता वृक्ष, इसको पेड़ कहते हैं। कहते इसका तना तो अक्सर पुरुष है और डार उसमें से ज्योत निरंजन है, ये क्षर पुरुष, ये परब्रह्म। अच्छा, अक्सर पुरुष तो ये तना है, ये कुछ अविनाशी है, और ये डार जो है ये नाशवान ब्रह्म है, क्षर पुरुष है, और इसके तीन पुत्र ये डार है, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु, और पात्र रूप संसार है। अब इसको अविनाशी क्यों कहा? अविनाशी देखो, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से भी न्यारा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। कितना स्पष्ट ज्ञान है परमेश्वर। अब आगे ये जो 18वें श्लोक में क्या कहा है, ज्योत निरंजन ने, गीता बोलने वाले भगवान ने, इसने ये कहा कि जो नादान लोग मुझे ही पुरुषोत्तम मानते हैं, इसलिए पुरुषोत्तम कहते हैं मुझे, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, मैं तो मेरे अंतर्गत मेरे लोक में मेरे 21 ब्रह्मांडों में जितने प्राणी हैं उनसे तगड़ा हूं, चाहे वह सथुल शरीर में देव महादेव राजा रंग प्राणी कुछ भी है, और चाहे वह जीवात्मा रूप में है, इन दोनों से मैं अतीत हूं, तगड़ा हूं, इसलिए पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। इन लोक वेद के आधार पर, लोक वेद माने अपने अपने हिसाब का सोचा हुआ ज्ञान, अपने आप बनाया हुआ, अपनी सोच का जो शास्त्र के अनुकूल ना हो, इसलिए लोक वेद के आधार पर मुझे पुरुषोत्तम मानते हैं, वास्तव में पुरुषोत्तम तब वो तीसरे नंबर का भगवान है। फिर देखिए, क्योंकि यहां उलझा देंगे तुम्हें ये नादान संत जिन्होंने अभी तक इस ज्ञान का अनर्थ कर रखा था, कहेंगे 18वें श्लोक में लिखा 15वें अध्याय के में कि मैं पुरुषोत्तम हूं, नहीं, ये क्या लिखा है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से अर्थात सथुल शरीर में जितने भी प्राणी हैं उनते अतीत हूं, अविनाशी जीवात्मा से भी तगड़ा हूं, उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में, लोके वेदे यानी लोक वेद से, लोक वेद के आधार पर मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। वास्तव में पुरुषोत्तम तो ये स्वयं बता रहे हैं, ये 70वां श्लोक में, यहां देखिए 70वें श्लोक में, उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है, गीता बोलने वाला भगवान स्वयं बोल रहा है, तीनों लोकों में जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब इसी का प्रमाण कि वो परमात्मा और है, वही पूजा के योग्य है, उसका नाम क्या है, ये फिर कुरान शरीफ के अंदर देखिए, पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ, और इसके साथ पहले पवित्र बाइबल का लिंक बनेगा वो भी देखिएगा, क्योंकि हम इस एकदम नया ज्ञान होने से जितना अधिक से अधिक सुनेंगे उतना ही ज्यादा हृदय में प्रवेश होगा। अब हजारों वर्षों से, तीन युगों से हम यही सुनते आ रहे थे जो हमें आज सत लग रहा था, लेकिन अब ये पता लगेगा कि सच क्या है। पवित्र शास्त्र बाइबल, इंडिया बाइबल लिटरेचर, बरका रोड मद्रास, इससे प्रकाशित है। इसमें पहले ही उत्पत्ति के अंदर लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, विश्व की सृष्टि, सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन। और आगे देखो,
ये पांचवा दिन। और छठे दिन में क्या बताया है कि परमात्मा कैसा है ये भी बता दिया। यहां देखिए, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंग सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अर्थात भगवान मनुष्य जैसा है, प्रभु मनुष्य जैसा है, जिसने सबसे पहले सृष्टि रची, आदि मूल परमेश्वर, वो सतपुरुष अकाल मूर्त मनुष्य जैसा है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उसको तीन बार लिखा लगातार नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। और फिर उनके खाने के लिए क्या लिखा है, कहीं मांस का प्रावधान परमात्मा की तरफ से नहीं है। आगे कोई इसमें पवित्र बाइबल में कोई आगे आदेश है तो परमात्मा का नहीं, क्योंकि फरिश्ते और देवताओं का जो हानिकारक होगा उसको ऑर्डर उस आदेश को मानने से। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुम्हें दिए हैं, वो तुम्हारे भोजन के लिए होंगे। बस परमात्मा तो ये आदेश देकर सातवें दिन तख्त पर जा बैठा। बाद में जो अटकलें लगाई गई है किसी कुरान शरीफ में, पवित्र बाइबल में या पुराणों में, ये सब देवों की, फरिश्तों की और या किसी पितर पितरों की अटकलें हैं, वो हमें माननी नहीं है। यह है जितने और जितने भी पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु हैं, उनमें जीवन के प्राणी सबको खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे पेड़ दिए और वैसा ही हो गया। अब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसको देखा और अच्छा लगा। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठा दिन हो गया। सातवां दिन यूं आकाश और पृथ्वी की उनकी सारी सेना बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जो करता था समाप्त किया, सातवें दिन समाप्त किया। और उसने उसे सारे किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी, वो पवित्र ठहरा, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना से सारे काम से विश्राम दिया। अब क्या हो गया, परमात्मा तो छह दिन में सृष्टि रचकर सातवें दिन वो पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अपने विधिवत स्थल पर जा विश्राम किया और कानून बना के दे गए। आगे इस काल की कला शुरू होती है, उसने फिर अपनी अटकलों से इस जीव को अटका रखा है और इसके संविधान, परमात्मा के संविधान तोड़ देते हैं, ये सब दोषी हो जाते हैं। अब देखिएगा, यही कि जिसने छह दिन में सृष्टि की सातवें दिन तख्त पर जा बैठा, अब उसका नाम क्या है, अब ये पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ और कुरान मजीद ये नाम बताऊंगी कि वो परमात्मा कबीर है। और फिर चारों वेद आपके सामने पेश किए जाएंगे, पवित्र शास्त्र चारों वेद पवित्र, वो बताएंगे वो कबीर परमेश्वर है और वो हमारे पाप कर्मों को भी काट सकता है और कोई नहीं काट सकता। अब देखिएगा, ये पवित्र कुरान शरीफ यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, इसमें जो लिखा कहते हैं सत्य है, कोई संदेह नहीं इसमें। कुरान शरीफ कहां से सपी है, शेरवानी संस्करण प्रकाशक लखनऊ किताबगर मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ, और अंदर भी देखिए इसका प्रकाशन, लखनऊ किताबगर मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ, इसमें सूरत फुरकानी नंबर 25 में ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर है जिसने छह दिन में सृष्टि रची और सातवें दिन तख्त पर जा बैठा है, उसका नाम कबीर है। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25, ये पूरा का पूरा प्रश्न, इस पवित्र शास्त्र का पूरा प्रश्न जो का त्यों है। इसको फिर देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में भी जो की तू अरबी को भी लिखा है और फिर इनका अनुवाद भी हिंदी में देवनागरी में किया है, बहुत अच्छी मेहनत की है इस लेखक ने। इसमें लिखा है 52वीं आयत में लिखा है कि फला तुतियल काफिरिन व जाहिदों बेही जिहादन कबीरन, ये कबीर शब्द है, कबीर पूर्ण परमात्मा कबीर। अब इसके लिए फिर और प्रमाण आपको साथ देना पड़ेगा कि ये कबीर शब्द है, इसमें कबीरन लिखा है और ये पवित्र शास्त्र कुरान मजीद में इसको कबीरा लिखा है। इसको कबीर कहो, कबीरन कहो, कबीरा कहो, उस परमेश्वर का पूर्ण ब्रह्म का ही वास्तविक नाम यही है। कुरान मजीद इसमें देखिएगा, सूरत फुरकानी, कुरान मजीद देखिएगा, कुरान मजीद सूरत फुरकानी
25 नीचे लाना, ये जो की तो वही है, और लास्ट में लिखा है ये वही, फला तुतियल काफ्रिन ने वजाहिदुन बीही जिहादन कबीरा, कबीरा कबीरा सबर सबर लिखा है। और इसी की 21 नंबर पर फिर देखिए, 21 नंबर पर भी यही कबीरा शब्द लिखा है, ये 21 नंबर आयत में, अतुवन कबीरा, ये थोड़ा सा कट गया ये प्रिंट में कबीरा। और फिर ये तो आपने देखा 52 नंबर में, नीचे देखो 52 नंबर में वही जिहादन कबीरा, कबीर के लिए संघर्ष करना। हजरत मोहम्मद क्या लिखा है इधर देखिए 52 में, कहे तुम जो तुम काफिरों का कहा ना मानो और उनसे इस कुरान के हुक्म पर के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो, नहीं इन्होंने कबीर का शब्द बड़ा कर दिया, कब वो लिखना था लड़ो नहीं संघर्ष करो, जिहाद माने संघर्ष होता है, अभी दिखाता हूं। अच्छा आगे इसमें 58 और 59 आयत में, 68 और ये देखो 68 और ना 58 और 59, 58 नंबर आयत में लिखा है इबादे ही कबीरा, ये कबीरा ही है, इबादे ही माने पूजा के योग्य, इबादत माने पूजा, इबादे ही माने पूजा के योग्य, तो कबीरा यानी वो कबीर परमेश्वर है। और फस अल बिही कबीरा, ये कबीरा है। अच्छा अब ये जो भी है इसका हमने सिर्फ एक सारांश देखना है, फिर देखिए ये कुरान शरीफ और सूरत फुरकानी 25 के आयत नंबर फिर देखो 52 में, ये कबीरन इन्होंने कबीरन लिखा उसमें कबीरा लिखा, एक ही बात है कबीरन कहो चाहे कबीरा कहो। देखिए इधर फला तुतियल काफिरन वजाहिदुन बिही जिहादन कबीरन, और फिर इसमें भी 21 नंबर पर देखो, यहां 21 नंबर पर जो कह तुम अतो ततुवन अतुवन कबीरन, कबीरा कहो चाहे कबीरन कहो, ये एक ही बात है। इसमें वास्तविक क्या बनता है, जैसे ये कबीरन शब्द है 52 नंबर में, इसका अर्थ क्या दिया इन महापुरुष ने, ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना। देखो कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह कोई और है, जो हजरत मोहम्मद में प्रवेश करके या किसी अन्य पुजारी में प्रवेश करके बोल रहा है या आकाशवाणी करके कह रहा है, और कह रहा है वो अल्लाह जिसको हजरत मोहम्मद अपना खुदा माने, वो किसी और के बारे में कह रहा है कि हजरत मोहम्मद इस कुरान की अंदर जो हम तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो हिदायत दे रहे हैं, इनको ऊपर पूरा विश्वास करना, और काफिर लोग हैं वो नहीं मानेंगे कि कबीर परमात्मा है, इस के लिए तो उनसे संघर्ष करना, कबीर के लिए उस कबीर परमेश्वर के लिए, कबीरा परमेश्वर के लिए संघर्ष करना, उनकी बात तो मत आना। और ये वही है, कौन है जिसने सारी सृष्टि रची, जिसने वो 6 जन्म सृष्टि रची, 7वें दिन तकत पर जा बैठा। देखिए अब यहां देखो 52-53 नंबर पर, ये नीचे आप देख रहे थे कि ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से यानी मैं जो कह रहा हूं इसके ऊपर पूरा विश्वास करके उस कबीर के लिए संघर्ष करो, बस बड़े इन्होंने बड़ा शब्द कर दिया, अर्थ कर दिया कबीर का बड़ा, उन्होंने कहा कि कबीर के लिए जोर शोर से यानी संघर्ष करो, उनके साथ जोर शोर से संघर्ष करो, उनका मुकाबला करो, उनकी बात का मत आना, लड़ना नहीं, ऐसा भगवान आदेश लड़ने का नहीं दे रहे। आगे देखो ये खबीरा 58 में, खबीरा 59 में खबीरन, अभी कुरान मजीद में आपने देखा था वो ये खबीरा और ये खबीरा, दोनों खबीरा ही लिखे थे, लेकिन ये कबीरा है, कबीर है इनका अर्थ, और इनका अर्थ भी इन्होंने बड़ाई किया है, और वही है वो कबीर जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा और कड़वा पानी, मीठ प्यास बुझाने वाला कड़वा, और दोनों में एक मजबूत और आड़ बना दी। आगे देखो ए पैगंबर, वो हजरत मोहम्मद का खुदा बोल रहा है, ए हजरत मोहम्मद पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है,
इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे उस अल्लाह के हुक्म की कोई मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार करे कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पे, जिंदा माने जो तुझे जिंदा रूप में मिला, कबीर साहब एक जिंदा महात्मा का रूप ना कि प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद से मिले थे, लेकिन अपना सतलोक भी दिखाया था इनको ले जा करके, जबराइल ले गया था उसके बाद की बात है, लेकिन वो तब तक इतने डर चुके थे जबराइल के उस बदतमीजी तय, लेकिन इस प्यारी आत्मा ने सतलोक रहना मंजूर नहीं किया। और फिर कह भी रहा वो साफ, क्योंकि ये अपने कागज पूरे रखा और काम सारे उलट करावे जो इतने रंजन ये काल भगवान। ए पैगंबर, उस जिंदा, उस ये चैतन्य शब्द गलत कर दिया, उस जिंदा पर, जिंदा महात्मा पर भरोसा रख जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, वो उसका कोई विनाश नहीं कर सकता, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। वो अपने बंदों के गुनाहों से अपने बंदों के पाप कर्मों को समाप्त कर देता है, वो काफी खबर। यहां बड़ा शब्द कर दिया, ये लिखना था वो कबीर परमेश्वर अपने बंदों, काफी कर दिया उस बड़े कबीर का अर्थ काफी कर दिया, नहीं, वो कबीर परमात्मा अपने बंदों के गुनाहों को समाप्त कर देता है, वो बिल्कुल खत्म कर देता है। और 59 में क्या कहा कि ये वही है जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में सारे ब्रह्मांडों को सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तकत पर जा विराजा जा बैठा, बैठा तो आकार में, और वो अल्लाह कबीर है, अल्लाहु अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, बड़ा कर दिया अर्थ इन्होंने, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर है, वो रहमान है, और उसकी खबर किसी बाखबर यानी किसी तत्वदर्शी संत से इलम वाले से पूछ। देखो अब कुरान शरीफ को बोलने वाला स्पष्ट कह रहा है वो अल्लाह, वो खुदा, चाहे वो गुप्त रूप में हजरत मोहम्मद में प्रवेश करके काल बोलता है, वो कहते हैं ना जब वह ऐसी आती थी घंटियां सी बजती थी और वो तो मुझे बहुत दुखी करती थी, परेशान हो जाता था, क्योंकि इनके अंदर जब वो काल प्रवेश करता था तो इतनी पीड़ा होती थी, इनके सारे हाथ अकड़ जाते थे, ऐसे जबान खुल जाती थी, आंखें फटी फटी हो जाती थी, फिर बोलने लगता था, तो वो काल स्वयं भी बोलता आकर के अंदर और फरिश्तों के द्वारा भी भेज देता है। ऐसे कुरान शरीफ जब जब वो काल आया, उसके फरिश्ते आए तो उनके जो लेख थे वो संग्रह कर लिए, उसका एक पवित्र शास्त्र बना दिया। ऐसे ही आज वर्तमान में एक ब्रह्मा कुमारी पंथ चल रहा है जिसमें इन किसी ब्रह्मा या कुमारी लड़की में एक ऊपर एक प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है, एक लेखराज शर्मा की, और उसको प्रजापिता बनावे, और वो कहते हैं सदाशिव, ये काल ने वो सर्वशक्तिमान बताते हैं, कहते हैं आकार तो है नहीं केवल ज्योत बिंदु, और वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको लिखा जा रहा है, वो एक शास्त्र बना लेंगे, एक मजहब का रूप धारण कर लेगा जो काल तक का ही होगा और जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकती। ऐसे देखिए जो है ये ऐसे इन कुरान उतरी है जैसे आजकल उतरे महाकुमारी वालों के ऊपर ये काल फिर वही जाल फैला रहा है। ये कुरान शरीफ इसके भूमिका में लिखा है कि ये किस प्रकार कुरान शरीफ लिखी गई, कैसे कलेक्ट की गई, कैसे संग्रह हुआ इसका, कुरान मजीद के उतरने, मजीद और शरीफ दोनों एक ही प्रकार है, कुरान मजीद के उतरने और संग्रह संकलन के हालात देखिए। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है जो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल पर उतारी गई, यह अरश कुर्सी के मालिक का कलाम है, और उसने स्वयं एक बर गुजीदा पैगंबर और मुकर्रब सबसे ज्यादा लोकप्रिय बंदे पर नाजिल किया, किस पर, हजरत मोहम्मद जी पे। इस्लाम का आधार इसी आसमानी फरमान संदेश पर है, जिसने अनुपालन किया है वह इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ है, और उस जिसने जरा भी अवज्ञा की है तो वो इस पाकीजा जमात इस्लाम से अलग हो गया और अल्लाह के बागियों में शामिल हुआ। जब नबी ए करीम सलल की उम्र, हजरत मोहम्मद जी की उम्र 40 साल की हुई तो उस समय आपको नबुवत प्रदान की गई और रिसालत का ताज आपके सर पर रखा गया। इसी जमाने से कुरान के उतरने की शुरुआत हुई। यदा कदा यथा जरूरत के अवसर पर थोड़ा थोड़ा 23 साल तक नाजिल होता रहा, 23 वर्ष तक ये उतरती रही, क्योंकि 63 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद की मृत्यु बताई है और 40 साल की उम्र में इनको ये प्राप्त हुई, ये
उतरने लगी तो सारा जो कुछ भी आते रहे ये अंदर से देवते या कभी काल बोलता रहा, लिखते रहे, होता रहा। अगली किताबों की तरह पूरा का पूरा एक ही बार नहीं उतरा। हजरत मूसा अलैहि पर तौरात, हजरत ईसा पर इंजल और हजरत दाऊद पर जबूर, ये सब किताबें तो एक ही बार में उतारी गई थी और सौभाग्य से ये सब किताबें रमजान के महीने में उतरी। इन पर तो एक ही बार उतरी, लेकिन हजरत मोहम्मद पर 23 साल तक लगातार आते रहे, लिखते रहे, बोलते रहे, लिखते रहे। कभी काल आ जाता ये ब्रह्म और कभी इसके देवते फरिश्ते आ जाते। यही सही यह है कि आप हजरत मोहम्मद की नबुवत के बाद रमजान के सबे कदर में पूरा कुरान मजीद लोहे महफूज अल्लाह के पास से उस आसमान पर जिसे हम देख रहे हैं अल्लाह के हुक्म से उतारा गया। और इसके बाद हजरत जबरील इलाही को जिस समय जिस कदर हुक्म हुआ उन्होंने पवित्र कलमा को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन के कमी बेसी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। ओए होए, अब देखो अब क्या बताया है इसमें कि ऊपर कोई भगवान है ऊपर, और वो दिखता नहीं, हम नहीं देख सकते उसको क्योंकि उसको अव्यक्त माना है। और वो आदेश देता था जबरील को कि जा ये फरमान लेकर जा हजरत मोहम्मद को, ये बता के इसको ऐसे करे, ऐसे वजू करे, ऐसे इनकी नमाज करे। तो वो आकर के जो का त्यों जो उसका आदेश था ज्योत निरंजन का वो ही आकर बता देता, कोई फेरबदल नहीं करता था। और कई बार ऐसा होता था कि वो काल स्वयं भी आकर प्रवेश कर जाता, कई बार तो देवता फरिश्ते सामने आ जाते, और कई बार वो काल स्वयं प्रगट कर होकर इसके प्रवेश करके भूत की तरह प्रेत की तरह और बड़ा तंग कर होते हैं। पहले घंटियां सी बजती है ऐसे ऐसे, फिर उनका शरीर कंपने लग जाता सारा ऐसे ऐसे, जैसे प्रेत आते हैं किसी में। आप देखो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में क्या हालत होया करती प्राणियों की, वो स्वस्थ हो गए, अब उनमें कुछ नहीं आता जो परम पिता के सामने ये नहीं आ सकते। तो इनके अंदर ये काल आता था और काल आकर के फिर जो बोलता उसको लिख लिया जाता था। आप देखिए इसके बाद कि उस ऊपर के अल्लाह का हुक्म लेकर यानी ज्योत निरंजन काल का जो फरिश्ता जबरील आता था और जो का तो सुनाता था उसमें कोई फेरबदल नहीं करता था। जैसे अभी सुना था कि हमने तुझे डराने के लिए भेजा था और तुम अपने पाकी के साथ उस परम पिता परमेश्वर कबीर की महिमा पाकी बयान करते रहो, और ये वही है जो 6 दिन में सृष्टि थी 7वें दिन तक पिता विराजा। ये उस ज्योत निरंजन अल्लाह अव्यक्त का आदेश है जिसको हजरत मोहम्मद अपना खुदा मानते थे। और वो कह रहा है कि वो परमात्मा कोई और है, उसका नाम कबीर है, वही जिसने 6 दिन में सृष्टि से 7वें दिन तकत पर जा विराजा। और उसके बारे में ये जो कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह कह रहा मैं नहीं जानता, उसकी खबर तो किसी बाखबर से पूछ देखो, वो बताओगा यानी तत्वदर्शी संत। ऐसे ही पवित्र गीता जी ज्यों का त्यों। अब देखिए ऐसे पवित्र वेद, चारों वेद, और फिर देखिए ये कुरान मजीद जो अभी इसके आगे और पढ़ाते हैं आपको। ये था कि उस फरिश्ता, इसके बाद हजरत जबरील अल्लाह ही जो जिस समय इस कदर हुक्म हुआ उन्होंने पवित्र कलमा को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या कमी बेसी से नबी सलहल तक पहुंचा दिया। उस काल का आदेश जो का तो एज इट इज जो उसने बोला यू लेकर आ गया, बस जैसे कुरान शरीफ में बोला है, कभी तो आयतें कभी तीन, कभी दो आयतें कभी तीन आयतें कभी एक आयत, तो कभी कभी 10-10 आयतें भी, और कभी पूरी पूरी सूरत की सूरत यानी पूरा अध्याय का अध्याय। इसी को शरीयत में वह कहते हैं, ये वह कहलाती है। उल्मा विद्वानों ने वह के विभिन्न तरीके बताए हैं, हदीसों से पेश किए हैं। क्या फरिश्ता वह लेकर आए, फरिश्ता स्वयं लेकर आए वह, और या फिर एक आवाज घंटी जैसी मालूम हो, यह स्थिति अनेक हदीसों से साबित है कि यह किस्म वह की सब किस्मों से सख्त थी। बहुत कष्ट नबी सलल यानी अल्लाह को सलल मानी हजरत मोहम्मद जी को होता था जब ये घंटी सी बात, एक तो फरिश्ता वह लेकर आए और एक आवाज घंटी जैसी मालूम, ये दो प्रकार से आते थे। एक बार तो केवल वो काल आता था स्वयं उसमें प्रवेश कर जाता था प्रेत की तरह, पहले घंटियां सी बजती मालूम होती थी और फिर हजरत मोहम्मद का शरीर आकड़ जाता था, कंपने लग जाता था। एक तो दो तरीके हैं वह आने के, ये कुरान शरीफ के
के ऊपर से उतरने की। एक तो फरिश्ता वह लेकर रहा है जैसे जबरी लेकर रहा है, जबरदस्ती दबोच कर डरा कर धमका कर, दम घुटने हो गया, डरा धमका कर वो किताब पढ़ा दी, काल तक की महिमा बता दी। और एक आवाज घंटी जैसी मालूम हो, यह सती थी, ये घंटी वाली जो स्थिति है, ये सती थी अनेक हदीसों से, हसीदों हदीसों से साबित है कि यह किस्म वह की सभी किस्मों में सकती। बहुत कष्ट नबी सलल को होता था जब ये काल प्रवेश हुआ था, यहाँ तक कि आपने फरमाया कि जब ऐसी वह यानी घंटी सी बाज के कोई अंदर प्रवेश करता था तो मैं समझता था कि अब जान निकल गई जाएगी है परमात्मा। फरिश्ता दिल में कोई बात डाल दे, जैसे हजरत मोहम्मद को ले जा करके उसमें उसकी थाली उलेट दी थी, फरिश्ता आदमी के रूप में आकर बातें करे, यह किस्म बहुत आसान थी, इसमें कष्ट नहीं होता था। हालांकि उसको डराया, धमका पकड़ कर दबोचा, इसको तो कहती है तो कोई खास दर्द नहीं था। अल्लाह ताला जागते में नबी सलल के कलाम फरमाए, ऐसा भी सबे मेराज की रात में है, यानी अल्लाह ताला वो खुद काल बोल रहा है, जागते में भी उसको आवाज दे दे। अल्लाह ताला सपने में हालत, सपने की हालत में कलाम पढ़ाए, यह किस्म भी इस सही हदीसों में साबित है। फरिश्ता सपने की हालत में आकर कलाम करे, मगर अंतिम की दो किस्मों से कुरान मजीद खाली है, पूरा कुरान जागने की स्थिति में नाजिल हुआ है। अगरचे चुक उलमा ने सुर ये तो नाम दिया है अपने हिसाब से, कहते वास्तविकता ये है कि कुरान शरीफ और कुरान मजीद जितने भी हजरत मोहम्मद के पास जो आई हैं, इनमें ये विशेष दो कारण नहीं, या तो कोई फरिश्ता आ जावे वो लिखवा दे उसको डरा धमका के, और या फिर वो काल स्वयं प्रवेश करके, जब वो प्रवेश करता था तो उसका सारा शरीर जकड़ जाता था, बुरा हाल हो जाता था, और फिर अंदर बैठ कर बोलता था उस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद में इस काल ने ऐसे सबको गुमराह किया हुआ है। ये प्यारी आत्मा थी, पिछले जन्म जन्म के ऋषि थे, इनमें पिछले संस्कार बहुत अच्छे थे, आगे भक्ति सही बनी नहीं क्योंकि वो शास्त्र में साधना है, काल तक ब्रह्म तक अवैक तक रही इस प्रकार। तो इसमें क्या लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा है कि वो कबीर परमेश्वर है, वही जिसने छह दिन में सृष्टि सातवें दिन तख्त पर जा बैठा, और वो अपने बंधुओं के गुनाहों को काट सकता है, पाप कर्मों का विनाश कर सकता है, वो वास्तव में अविनाशी है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, यानी वो अल्लाह ताला जिसको अल्लाह ताला बोलते हैं हजरत मोहम्मद, वो कहता है वो कोई और परमात्मा है और मैं नहीं जानता उसके बारे में। इति सिद्धम के चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र यही बताना चाहते हैं कि और परमात्मा है जो वास्तव में पूजा के योग्य है, उसका नाम कबीर है। अब आपको आपने देखा पवित्र शास्त्र गीता में, गीता जी में, क्योंकि चारों वेदों का सार गीता जी है, कि वो परमात्मा कोई और है और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, वो कभी मरने वाला नहीं है। एक भक्त ने दास से प्रश्न किया कि मैं सत्यार्थ प्रकाश पर बहुत विश्वास करता हूं, उसमें तो महर्षि दानंद जी ने कहा है कि किसी ने प्रश्न किया कि क्या परमात्मा सतुति करने वाले की, प्रार्थना करने वाले के पाप कर्मों को काट सकता है, समाप्त कर सकता है। उत्तर दिया महर्षि जी ने कि नहीं, वो नहीं काट सकता, पाप कर्म तो कट ही नहीं सकते, अगर ऐसा करे तो भगवान कहते हैं फिर तो अन्याय हो जावे, वो न्याय नहीं रहे उसका, फिर सब दुराचारी हो जावे, लोग सोचेंगे फिर तो कि ठीक है कितने पाप कर लें भगवान से प्रार्थना करके कटवा लेंगे। तो इसलिए भगवान अल्लाह यानी परमात्मा का कहीं ऐसा नहीं लिखा किसी वेद या शास्त्र में कि वो पाप काट सके, और आपको 20 प्रमाण दिखाऊंगा वेदों में कि वो परमात्मा पाप काट सके, उसका नाम कबीर है। अब देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, आदरणीय श्री महर्षि दानंद जी स्वामी विरचित, श्री महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित, कहां से, वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर तक, या फिर देखिए इधर सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है, वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर तक। अब इसके नौवें समुल्लास में किसी ने प्रश्न किया,
90 पृष्ठ पे नौवां समुल्लास दिखाते हैं आपको। ये सप्तम समुल्लास है, सातवें समुल्लास में और प्रश्न नंबर 190 पे नीचे देखिए, इसमें लिखा कि ईश्वर साकार हुआ निराकार। उत्तर महर्षि देते हैं निराकार है। अच्छा 190 पे और 191 पे देखिएगा, 191 पे किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना ऊपर देखना, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए वा नहीं। उत्तर महर्षि जी का, करनी चाहिए प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए वा नहीं। किसी ने प्रश्न किया महर्षि जी से, महर्षि जी उत्तर दे रहे हैं करनी चाहिए। प्रश्न करने वाला कहता है क्या स्तुति करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़वा देगा। उत्तर महर्षि जी का नहीं। तो प्रश्न करने वाला कहता है फिर तो स्तुति प्रार्थना क्यों करें। उत्तर दिया महर्षि जी ने, उनके करने का फल और है। क्या फल है देखो, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निर्भीमानता और उत्साह और साहस का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल। एक तरफ तो निराकार, यहां देखो फिर इसी साइड में, इसी के सामने बिल्कुल इसी पृष्ठ पर दूसरा बिना है, पर्सन साकार, ईश्वर साकार है वा निराकार। महर्षि कहते हैं निराकार, और यहां कहते हैं परब्रह्म से मेल, उसकी उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। हे भगवान, साक्षात्कार तो आमने सामने बात करनी, आमने सामने बिल्कुल एज इट इज देखना। और ये कहता है इधर तो निराकार दिख रहे हैं, यहां कह रहे हैं उसका साक्षात्कार होना और परब्रह्म से मेल। ब्रह्म की महिमा गा रहे हैं, परब्रह्म से मेल, मेल तो इसका उनको दर्शन करेंगे, देखेंगे बैठ के उसे बतलावेंगे, तो मेल वर साक्षात्कार होना। और यहां कहते हैं कि पाप नहीं कटते, पाप नहीं छुड़वा देगा कि नहीं। अब आपको 25 प्रमाण देता हूं, वेद में लिखा है कि परमात्मा पाप काट सकता है, इन्हीं के कर कमलों द्वारा लिखा हुआ। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।